और फरमाया ऐसे इल्म में कोई खैर नहीं जिसमें फिक शामिल ना हो। यानी कि बहुत से आलम दीन हैं लेकिन दीन के जो उसूल और दीनी जो मसाइल हैं उन मसाइल को कहते हैं कि सब ये मौलवियों के मसले हैं। बाज़ लोग हैं ना, उनको कहा जाए कि भाई यार ये मसला इस तरीके से इसको इस तरीके से फॉलो किया जाए, वो कहते हैं कि यार ये सब मौलवियों के मसले हैं। तो मौलवियों का मसला नहीं है ये सब, जो है ये जो दीन है दीन इस्लाम। तो फरमाया कि ऐसे इल्म में कोई खैर नहीं है जिसमें फिक और यानी के मसाइल को समझने की, यानी के अकाली सलातु सलाम की एक हदीस मुबारक भी है, फरमाया कि मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला सुभान अल्लाह जिसके साथ भलाई और खैर का इरादा फरमाते हैं उसको दीन का फकीह बना देते हैं, दीन की समझ नसीब फरमाते हैं। तो फरमाया ऐसे ही इल्म की भी कोई फायदा नहीं है जिसकी समझ ही ना हो। इल्म तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन इल्म को समझ नहीं रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे। और फरमाया ऐसी तिलावत में कोई खैर नहीं जिसके साथ तदब्बुर शामिल ना हो। बहुत से लोग हैं कुरान के सिर्फ अल्फाज को पढ़ रहे हैं। मैं अक्सर आप लोगों को कहा करता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है, हमेशा से ये आरजू रही है कि मैं कुरान के तर्जुमे और तफसीर की तरफ भी लेकर जाऊँ आपको। लेकिन आप जानते हैं कि कितना अरसा हो गया मैं अपनी कौम के लोगों को कुरान का बेसिक भी नहीं सिखा सका, और मैं सिखला रहा हूँ और इसी तरह तरगीब भी दिला रहा हूं। तो मैं अब यकीन जानिए कि उस टॉपिक की तरफ आऊं तो ये हिस्सा रह जाता है। तो तरतीब वार क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के जो हकूक हैं हम पर, उस हकूक को उसी अंदाज से मैं लेकर चल रहा हूं। पहला हक ये है इस पर ईमान लाना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हम इस पर ईमान लाएं कि अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। दूसरा हक ये है कि इसकी तिलावत का हक अदा करना, तो हम दूसरे हक में अभी फंसे हुए हैं कि उसकी तिलावत का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ जरूर कि आप हजरात जब भी कुरान करीम घर के अंदर आपके पास मौजूद है, तर्जुमे वाले कुरान करीम मौजूद हैं, तो उसकी एक आयह मुबारका को तर्जुमे के साथ जरूर पढ़ा करें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कम से कम नहीं तो 50 सालों में अगर उसे पढ़ते एक एक आयत को, तो कम से कम 50 सालों में कितने खत्म कुरान करीम आपके तर्जुमे के साथ हो जाते और आपको समझ भी आती कि अल्लाह करीम आपसे क्या तकाजा कर रहे हैं। लेकिन कुरान को कभी पढ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। तो फरमाया कि ऐसी तिलावत में कोई खैर नहीं जिसके साथ तदब्बुर का हिस्सा शामिल न हो। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम इससे मुतालिक मज़ीद भी अक़वाल हैं, सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, और इसके अलावा गौर तदब्बुर के लिहाज से मज़ीद भी जो है इसमें रहनुमा उसूल मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन किराम सब बातें जो है बेजा हो जाती हैं कि अगर उन पर अमल ना किया जाए। तो इसलिए आज आपने ये बात सुनी कि कुरान करीम को पढ़ा जाए तो तदब्बुर के साथ, गौर व फिक्र के साथ पढ़ा जाए। अगर तदब्बुर गौर व फिक्र नहीं है तो फिर यकीनन हमें इस पर अपने तिलावत कुरान पर गौर करने की ज़रूरत है कि या रब्बल आलमीन तो हमें तौफीक अमल दे दे कि हम कुरान करीम को गौर व तदब्बुर के साथ पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ उसकी तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अदीन कराम आज जुमातुल मुबारक था और जुमातुल मुबारक का सूरत गुरूब हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक की नमाज की अदायगी के लिए आप हजरात मस्जिदों में गए होंगे और जुमातुल मुबारक की नमाज की अदायगी की होगी। आज आपकी मस्जिद में आपके इमाम साहिब ने क्या पैगाम दिया था यकीनन आपने वो गौर से सुना भी होगा, लेकिन बहुत से लोग हैं उनसे पूछा जाए कि आज इमाम साहब ने आपके क्या तकरीर की थी, तो कहते हैं कि माशाल्लाह बड़ी सोनी तकरीर की थी, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी। उस तकरीर में भाई पैगाम क्या दिया था, मैसेज क्या दिया था, भाई के दसां जी इतनी ज़बरदस्त तकरीर की थी कि हमें शौक़ हुआ, हमें ज़ौक़ हुआ, हमने एक नारा लगा दिया, बस नारा लगा दिया। अब उसके बाद नारा तो हमें याद है लेकिन हमें ये याद नहीं कि इमाम साहब ने, आपके ख़तीब साहिब ने, आपकी लोकल मस्जिद के इमाम साहब ने आपको क्या पैगाम दिया था, क्या उस पैगाम को आपने याद रखा हुआ है। अदनी किराम उस पैगाम को याद रखने की ज़रूरत है जो आपके ख़तीब साहब, आपके लोकल मस्जिद के इमाम साहब आपको जो है पैगाम दिया करते हैं, उस पैगाम को सुनने के लिए बर वक्त मस्जिद में जाया करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ख़ास तौर पर दीन मतीन की जहाँ जहाँ तालीम दी जा रही है उसमें खूब ज़ौक़ व शौक़ के साथ शामिल होने की तौफीक नसीब।